फ़िश फिंगर बनाने के लिए पहले मैंने फ़िश ले लिया है। मैंने फ़िश को इस साइज से काट कर रखा है। अब मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर, एक लेमन स्लाइस, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और ये चिली फ्लेक्स लिया है। मैं पहले फ़िश को मैरिनेट करूँगी, तो उसके लिए पहले मैं नींबू निचोड़ लेती हूँ फ़िश के ऊपर। अब उसमें हल्दी डालूँगी, ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी और रेड चिली पाउडर और ये चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल दूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिलाऊँगी और इसे मैं मैरिनेट करूँगी अच्छे से। अब मैं इसे हाफ़ एन आवर रेस्ट करने दे दूँगी। मेरा हाफ़ एन आवर रेस्ट करना हो गया है। अब मैं अंडा फेटूँगी। मैंने इसमें एक अंडा ले लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ले लूँगी, ब्लैक पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स ले लूँगी। अब मैं इसे बीट करूँगी। अब मैंने ये ब्रेड क्रम्स एक प्लेट में मैं ले लेती हूँ और ये जो अंडा मैंने बीट करके रखा था और ये कॉर्नफ्लावर मैंने ले लिया है। अब ये जो एक फ़िश मैंने मैरिनेट करने दिया था, इसको पहले मैं कॉर्नफ्लावर में अच्छे से डुबोंगी। आप देख सकते हैं मैं इस पर अच्छे से कॉर्नफ्लावर लगाऊंगी, फिर मैं उसके ऊपर ये अंडा का जो मैंने अंडा बीट किया था अंडा दूंगी और फिर ब्रेड क्रम्स मैं इस पर डालूंगी अच्छे से। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने, इसलिए हम ऐसा करते हैं। मैं आपको और एक करके दिखाती हूँ। पहले मैंने कॉर्नफ्लावर में डाला, अब मैं इसे अंडे में डालूँगी। फिर मैं ब्रेड क्रम्स में डाल दूँगी। आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने पलट करके रखा है। अब मैं ऐसे सारे तैयारी कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने ऐसे सारे कर लिए हैं। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने तेल गरम करने पहले से दे दिया था। अब मैं इसके ऊपर एक एक करके फ़िश डाल देती हूँ। आप मीडियम टू लो फ्लेम में इसे बनाइए, आप हाई फ्लेम में मत बनाइए वरना ये जल जाएगा। एक साथ आप ज़्यादा फ़िश मत दीजिएगा वरना जो तेल का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो आप थोड़े थोड़े करके ही फ्राई कीजिए मीडियम टू लो फ्लेम में। मैं अच्छे से ऐसे जो है फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से ऐसे अलट पलट करके फ्राई कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी होता है। आप ज़रूर उसको घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट पे बताइए आपको कैसा लगा। अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले मिल सके। मैं पूरे इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, ऊपर नीचे मैं अच्छे से पलट पलट के मैं इसे फ्राई करूँगी। ये बहुत जितने में जितना टेस्टी लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। मेरा ये हो गया है, अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। Thanks for watching.